राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार और प्रधान जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छिंदवाड़ा के मार्गदर्शन में तहसील चोरई में 2 अक्टूबर 2021 से 14 नवंबर 2021 तक आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप एवं अखिल भारतीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कार्य योजना अनुसार तहसील चोरई स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों, शिविरों, मेलों का आयोजन किया गया। इस संबंध में अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति चोरई द्वारा कार्यक्रम की तैयारी की गई। इस कार्यक्रम में सभी विभाग की योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाई गई और न्यायिक दृष्टिकोण को विस्तार से समझाया गया। इस अवसर पर चोरई के समस्त न्यायाधीशगण प्रदीप बरकड़े, पुष्पा तिलगाम, रुपेंद्र मरावी, ADPO प्रवीण मरसकोले, कृषि विस्तार अधिकारी उमेश पटेल, शासकीय अधिवक्ता सुदर्शन सोनी, SDOP PS बालरे, तहसीलदार गीता रहंगडाले, बार एसोसिएशन अध्यक्ष RS वर्मा, नगरपालिका CMO अभिराज सिंह, सेंट्रल बैंक मैनेजर यशवंत चंद्रवंशी, SBI मैनेजर CEO JS ठेपे, कृषि विस्तार अधिकारी उमेश पाटिल, महिला बाल विकास अधिकारी अभिषेक वर्मा, कॉलेज प्राचार्य नरेंद्र शुक्ला, सामाजिक कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सुपरवाइजर, पैनल अधिवक्ता, पैरालीगल वॉलंटियर्स, ब्लॉक समन्वयक, विधिक सेवा न्यायालय चोरई और अन्य स्कूलों कॉलेज के प्राचार्य और प्रधान अध्यापक उपस्थित थे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तत्वावधान से तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण चोरई में आज 75वें अमृत आजादी अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया, जो सभी विभाग के बैंकों से कार्यालय से सभी विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे, रेड क्रॉस से बच्चे भी उपस्थित रहे, NCC के बच्चे भी उपस्थित रहे और हितग्राहियों को लाभ दिया गया। चोरई विधानसभा से संवाददाता राजेश उइके की रिपोर्ट।